आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय हम सफ़ेदों मार्ग है, जो सफ़ेदों को सड़क जाती है उसके ऊपर हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक तरफ राधा स्वामी सत्संग भवन है, मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में दिखाऊँ मैं आपको ये तस्वीरें कि राधा स्वामी सत्संग भवन का ये बोर्ड है असंध का। ये लाइव तस्वीरें, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर भी कीजिएगा। एक तरफ राधा स्वामी सत्संग भवन और बिल्कुल इसके राइट साइड में अपना होटल है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने ऊपर जो आप लिख के दिया है वो है मौत का ब्रेकर। लाइव तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वो ब्रेकर है जो कुछ दिनों पहले यहाँ बना था। देख सकते हैं कि आज ये ब्रेकर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस ब्रेकर ने 2 से 3 जिंदगियाँ जो है छीन ली हैं। हमें नहीं पता ये ब्रेकर कब बना था, लेकिन जब हम एक न्यूज़ कवर करके, जो प्रिंसिपाल लड़का था उसकी न्यूज़ कवर करके जब आ रहे थे, तो हमें भी ये जो ब्रेकर नज़र नहीं आया था। उस दिन मोटरसाइकिल पर थे, हैंडल जो है छूट गया था। लेकिन जैसे ही पता लगा कि हमारे जो पत्रकार हैं पंजाब केसरी के विनोद बिंदल, उनके भाई की पत्नी इस ब्रेकर पर जो है गिर गई थी जब वो जा रहे थे, तो पीछे जैसे ही झटका लगा, क्योंकि ब्रेकर के ऊपर कोई जो पेंट है वो नहीं था। किसने ये बनवाया, किसके आदेश से ये बना, क्योंकि एक तरफ ब्रेकर बन गया था और बिल्कुल उसके दूसरी ओर ब्रेकर नहीं था। क्या यहाँ कोई रेलवे स्टेशन था या फिर यहाँ कोई नदी थी जिसकी वजह से ये ब्रेकर बना? किसकी रिक्वेस्ट पर यह ब्रेकर बना? कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो हैं लगातार इन तस्वीरों के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से 2 से 3 जिंदगियां जो है छीन ली इस ब्रेकर ने। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर इसलिए कीजिएगा कि इस प्रकार की जो हरकतें की जाती हैं, देखिए बोर्ड एक नकली सा बोर्ड यहाँ लगा दिया गया है, और किसी यदि ये पट्टी आपको नज़र आ रही होगी, यदि ब्रेकर बनता तो इस तरीके की लंबी पट्टियाँ इस ब्रेकर के ऊपर होती। लेकिन बताना चाहूँगा कि सतीश उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था निर्मला देवी, जिनकी उम्र थी 50 साल। आज यदि मैं बात करूँ करवा चौथ के इस पर्व पर, आज वो सतीश के लिए जो है व्रत रखती, लंबी आयु की कामना करती, लेकिन क्या उनको पता था कि उनकी आयु जो है सतीश जी से छोटी हो जाएगी? कहीं ना कहीं एक दनोली गांव है, उसकी भी महिला यहां एक्सीडेंट हुआ है, एक्सपायर हो गई हैं। 17 अक्टूबर का ये वाक्या है, लेकिन ये सड़क पर ब्रेकर कई जिंदगियां ले चुका है। इस तरीके के लगातार जो ब्रेकर्स हैं वो बनाए जाते हैं। किसने इसकी रिक्वेस्ट की होगी? मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में राधा स्वामी सत्संग भवन है, और क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग आते रहते हैं संडे के दिन या वैसे भी, क्या इनकी रिक्वेस्ट से बनाया गया था या फिर सरकार द्वारा बनाया गया था? दूसरी ओर अपना होटल है, यहाँ काफ़ी झटका जो है महसूस होता था। सरकार यदि ब्रेकर बनाती है तो एक लंबे टाइप का ब्रेकर होता है जिसके ऊपर झटका महसूस नहीं होता, लेकिन अब उसके बाद जब इस ब्रेकर को देखा गया तो इसके ऊपर पट्टियाँ भी लग गई थी। लेकिन कल जब हम इसको देखने के लिए, लाइव करने के लिए आए, तो इस ब्रेकर के ऊपर पट्टियाँ तो क्या, यहाँ ब्रेकर ही नज़र नहीं आया। किसकी सिफारिश पर यह ब्रेकर बना, किसने यह ब्रेकर बनवाया? आप ऐसा ना करें, क्योंकि लगातार जो है इस प्रकार के हादसे यहाँ लगातार होते रहते हैं। और किससे बातचीत की जाए, किस अफसर से पूछा जाए कि आपने एक तरफ ब्रेकर बनाया है, दूसरी तरफ यहाँ ब्रेकर नहीं बना, क्या PWD डिपार्टमेंट ने इसको बनाया? और ये सफ़ेदों रोड की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। यदि ऐसा कुछ आपको आपके शहर में नज़र आता है तो तुरंत जो है प्रशासन को संपर्क करें। कुछ शरारती लोग इस प्रकार के जो है कार्य करते हैं शहर में लगातार। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ की लाइटें बिल्कुल, अभी इस समय देखिए एक तरफ की लाइटें बंद है। यदि ये लाइटें नहीं जलती हैं तो किस तरीके से लोगों को समस्या आती है? उसी प्रकार से ये ब्रेकर यहाँ बनाया गया, किसकी सिफारिश पर
किसके आदेश पर यह ब्रेकर बना, इसकी छानबीन होनी चाहिए। प्रशासन यदि कहीं सचेत है तो इसकी छानबीन जरूर करे, किसने ब्रेकर बनाया, कहां से इसकी परमिशन हुई। लगातार ये लाइव तस्वीरें राधा स्वामी सत्संग भवन के बिल्कुल सामने से, एक तरफ अपना होटल और लगातार यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, लोग यहाँ गिरे हैं और कुछ लोगों की मौत हुई है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है परिवार के बिल्कुल जो है बिखर गई है। कहीं ना कहीं बड़ा दुख के लगातार हादसे यहाँ हुए हैं, तो विनम्र रहेगा कि प्रशासन इसकी तहकीकात जरूर करे कि ये ब्रेकर जो बना किसकी सिफारिश बना, किसने ये बनवाया और जो ये जिंदगियां चली गई इसका जिम्मेवार कौन। लाइव तस्वीरें असंद हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों से सचेत रहिएगा जो आपके बीच से आपके लोगों को जो है छीन ले जाते हैं, किस प्रकार से ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल यहाँ किसी भी प्रकार से अथोराइज नहीं है कि यहाँ ब्रेकर बनाया जाए। मेन हाईवे है और लगातार देख सकते हैं ये तस्वीरें कि यहाँ ब्रेकर अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ब्रेकर बनाया, किसने बनाया, किसकी सिफारिश पर बनाया, ज़रूर इसकी तहकीकात की जाए। SDM महोदय से हम संपर्क भी किया है और लगातार किसने कब और किस वजह से बनाया और जो जिंदगियां चली गई इसका जिम्मेवार कौन। लाइव तस्वीरें असंदल चल हरियाणा के माध्यम से इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।